अस्सलाम वालेकुम। इंजन नंबर 203 अपनी ट्रेन जो है अभी आई नहीं है। रेल कार सुबह 7 बजे रावलपिंडी से चलती है और 12 मिनट रह गए ट्रेन चलने में। हाजरीन, आज का लोकोमोटिव है GEU 20-45-68। रेल कार की जो कंपोजिशन है उसमें 5 इकॉनमी क्लास होती हैं। मैं ही नाजरीन रावलपिंडी से हम रवाना हो गए हैं पूरे टाइम पर। चकलाला तक डबल ट्रैक है। गड्डी चेक हो गई। यंग पैसेंजर मद्रास की कर रही है तकरीबन 70-20 दूर में। चाय सर्विस फुल। चाय के बाद आ गया है बोतल और जूस। टेक्निकल स्टाफ जो है अभी मायना कर रहे हैं क्या इशू है। जेल में गाड़ी का टेक्निकल जो है वो मायना हो रहा है। वजीराबाद शहर। नाजरीन 25 मिनट लेट गुजरांवाला स्टेशन पर पहुंची है रेल कार आज। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से आप सबको खुश आमदीद एक नए सफर के साथ। सुबह का मंजर बहुत ही दिलकश, हल्के हल्के बादल भी आए हुए हैं आज। आज तारीख है 28 मई 2022। रेलवे स्टेशन से बाहर मौजूद खूबसूरत गार्डन बहुत अच्छी तरह तराश खराश की हुई है। परिंदे अपना सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। एक साइड पर खड़ा है स्टीम लोकोमोटिव, रिटायरमेंट के बाद अपने दिन पूरे कर रहा है यहाँ पर। कई दफ़ा पहले भी शेयर किया है इसको, लेकिन तारीखी खाका आज मैं पहली दफ़ा शेयर कर रहा हूँ। इसका इंजन नंबर 203, 2 फुट 6 इंच, इंजन साइज का साल 1932, बनाने वाली कंपनी का नाम हिनोमैक जर्मनी। इब्तदाई कीमत जो इसकी थी 41,905 रुपये और 2 आना, और ये जिन सेक्शन पर चलती रही है कोहार टनल माड़ी इंडस बन्नू, और यहाँ पर ये नस्ब किया गया है 10 मार्च सन 2000 को पाकिस्तान रेलवे की जानिब से। बहुत ही मुफीद मालूमात विलाग के शुरू में ही मिल गई हैं। नाजरीन, टिकट मैंने ऑनलाइन बुक करवा ली थी कल ही, तो अभी चलते हैं स्टेशन पे प्लेटफार्म पे और बाकी डिस्कशन प्लेटफार्म पे जाके करते हैं। आज रात बारिश भी हुई है, आप देख रहे हैं पानी सड़कों पे रुका हुआ है। अपनी ट्रेन जो है अभी आई नहीं है, प्लेटफार्म नंबर 3 पर आएगी। तो अभी मैं बताता हूँ, एक जगह बैठ जाऊँ, वहाँ से आपको सफ़र की तफसील बताता हूँ। रेल कार सुबह 7 बजे रावलपिंडी से चलती है और तकरीबन 11:50 पे इसका पहुंचने का टाइम है लाहौर जंक्शन पर। इस ट्रेन में जो हैं टोटल 4 क्लासेस हैं, इकोनॉमी, एसी स्टैंडर्ड, एसी बिजनेस और पार्लर क्लास। मेरा सफ़र होगा आज गुजरांवाला तक,
तकरीबन 4 घंटे में सफर तय करेगी। ऑफिशियल टाइम जो है वो 3 घंटे और 48 मिनट है। रेल कार का रैप प्लेटफार्म नंबर 3 पे प्लेस होने आ रहा है लोकोमोटिव GU20 4568 के साथ। ये है अपनी आज की ट्रेन, मेरी है कोच नंबर 5 और सीट नंबर है आज 90। बारह मिनट रह गए ट्रेन चलने में। यह है कोच नंबर 5 सीट नंबर 90 आज। रेलवे स्टेशन पर चाय के रेट भी बढ़ गए हैं, 30 रुपए से अब चाय का कप हो गया है 40 रुपए का। सफर के आगाज पर एक कप चाय भी हो जाए। नाजरीन, आज का लोकोमोटिव है GU20 4568, रावलपिंडी से लाहौर। रेल कार को लेके जाएगा सुबह रफ्तार 10102 डाउन। रेल कार की जो कंपोजिशन है उसमें 5 इकोनॉमी क्लास कोचेज हैं, 2 एसी स्टैंडर्ड, 1 एसी बिजनेस और 1 डिलक्स पार्लर कार। पहली विसल हो गई है, तो अब चलते हैं अपने कोच में और सफर शुरू करते हैं आज रावलपिंडी से गुजरांवाला। नहीं नाजरीन, रावलपिंडी से हम रवाना हो गए हैं पूरे टाइम पर, पूरे 7 बजे चल पड़ी है ट्रेन। तो करा टाइम पर चाय ले ली मैंने। हमेशा की तरह साफ सुथरा रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन। सफर इंशाल्लाह होगा हमारा जो ऑफिशियल टाइम है 3 घंटे और 48 मिनट का गुजरांवाला तक। ट्रेन है ये लाहौर की। सुबह रफ्तार है ये, हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ सुबह रफ्तार और सुबह खराम में। कुछ दिनों पहले मैंने इस जगह की जो रेल फेनिंग है वो शेयर की है 3-4 हिस्सों में। नाला ले चकलाला तक डबल ट्रैक है, या देख रहे हैं आप ट्रैक। चकलाला पहुंचने पहले चाय का दी एंड हो गया। लो ये चकलाला आमद हो गई है रेलगाड़ी। Thank you.
दो मिनट के बाद चकलाला से रवाना। अब सूरज साहब भी सामने हैं, वीडियो भी बनानी है, देखें कैसी बनती है। साफ सुथरा प्लेटफार्म चकलाला का, अब यहां से ये जो डबल ट्रैक है ये हो जाएगा सिंगल, शाहदरा बाग जंक्शन तक ये सिंगल ट्रैक रहेगा। गुड बाय चकलाला। टिकट भी चेक हो गई। इस दिन में सिहाला को स्किप किया। यंग पैसेंजर जी वाले भाई भी आ गए हैं। तकरीबन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सुपर ट्रेन चल रही है। मद्रास की कर रही है तकरीबन 70 की स्पीड में। किसी जमाने में ये मंदरा जंक्शन हुआ करता था, अब सिर्फ मंदरा ही रह गया। नाज़रीन, बुजरहान में रेलकार की धुआंधार एंट्री। अच्छी स्पीड में स्किप कर रही है। जबरदस्त स्पीड में गुजर खान स्किप किए। दूसरा ऑफिशियल जो स्टॉप है इसका वो है जेहलम। पहला था चकलाला, फिर जेहलम, लाला मुसर, गुजरात, वजीराबाद, फिर पहुंचेगी ये गुजरावाला। यह है मिस्टर कसवाल ऑयल फील्ड। 90s में मैं ऑफिस के काम में इधर बहुत चक्कर लगाया करता था, आज से तकरीबन कोई 25 साल पहले। सुहावा की तरफ गामसन है अभी रेलकार और साथ में जीटी रोड N5 लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। बहुत खूबसूरत मंदिर। हवा अप्रोच कर रही है, स्किप करेगी अच्छी स्पीड में। चाय सर्विस फुल। चाय के बाद आ गया है बोतल और जूस।
पहाड़ी सिलसिले का खूबसूरत मंजर, जीटी रोड साथ साथ। हमेशा की तरह इस बार भी टनल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दो टनल्स आएंगी अभी। ये टर्की टोल प्लाजा जीटी रोड पर, अप्रोचिंग टर्की। बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है यहाँ पर, एक छोटा सा जंगल में। सामने से गाड़ी फिर गुजरेगी, वो नीचे पटरी शायद नजर नहीं आ रही आपको, यहाँ से गाड़ी घूम कर फिर आएगी। स्कीपिंग टर्की। ये सामने नजर आ रहा है टर्की स्टेशन, वहां से गाड़ी आई है। अब ये अप्रोच कर रही है पकड़ाला रेलवे स्टेशन पे। फेमस ट्रेन और ब्रिज के ऊपर से गाड़ी गुजर रही है, थोड़ा जबरदस्त व्यू। पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे। घुमेली से गाड़ी गुजर रही है इस वक्त। डुमेली क्रॉस करने के बाद गाड़ी रुक गई है। लाइन तो यहाँ पर और कोई भी नहीं है, क्रॉसिंग भी नहीं है, किस वजह से रुकी है नहीं मालूम। कोच नंबर 3 में कोई इशू हुआ, टेक्निकल स्टाफ अभी गया वहाँ पर, कोई चेकिंग वगैरह कर रहे, जिसकी वजह से गाड़ी डुमेली क्रॉस करने के बाद रुकी हुई है अभी। टेक्निकल स्टाफ जो है अभी मायना कर रहे हैं क्या इशू है। पहले इशू रिजॉल्व हो गया है,
वो भाईजान टूर लेकर आ रहे थे, अब वापस जा रहे हैं। इशू ये है वो रिजॉल्व हो गया और जियो 20 साहब ने विसल के बाद चलना शुरू कर दिया। ब्रेक प्रेशर का कोई इशू था जो रिजॉल्व हो चुका है। अच्छी स्पीड में बीना से गुजर रही है गाड़ी। अप्रोचिंग जेलम, स्लो स्पीड में क्रॉस कर रही है काला गुजरा। दस मिनट जो उधर रुकी है डुमेली और अतियाल के दरमियान, उसकी वजह से ये तकरीबन 10 मिनट लेट गाड़ी चल रही है। ब्रेक का इशू था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के वो रिजॉल्व हो गया, बार बार पता चल गया। तकरीबन 15 मिनट की तखीर से पहुंच रही है झेलम 102 डाउन सबक रफ्तार। झेलम में गाड़ी का टेक्निकल जो है वो मायना हो रहा है, तो इतनी देर में हम इसके किराए की बात कर लेते हैं। रावलपिंडी से जो गुजरा वाला इसका किराया है, इकॉनमी क्लास का इसका किराया 450 रुपये बर्थ के साथ। एसी स्टैंडर्ड का किराया है 750 रुपये, एसी बिजनेस का 850 और डिलक्स पार्लर कार का जो किराया है वो है 1000 रुपये गुजरा वाला का। बहुत खूबसूरत शेड्स हैं झेलम रेलवे स्टेशन पर, पुरानी बिल्डिंग, रेलवे के ऑफिसेस बने हुए हैं साथ, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर साहब, स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ये जी फर्स्ट विसल हो गई है रेल कार की, तो अब ट्रेन की जानेब चलना चाहिए। झेलम से चल पड़ी है गाड़ी, यहाँ पर इसका टेक्निकल मुआयना किया है, वो कोच नंबर 2 में जो इशू आ रहा था ब्रेक का, 2 मिनट के बजाय तकरीबन ये 7-8 मिनट गाड़ी यहाँ पर रुकी है। ग्रीन सिग्नल, 1928 का बना हुआ केबन, और अब गाड़ी गुजरेगी दराए झेलम से। ये साथ में पुराना जीटी रोड, पहले ओरिजिनल जीटी रोड ये वाला था, साथ में रेलवे ब्रिज के साथ
पुराना जीडी रोड का पुल भी है। रेल कार को लूप लाइन पे ले लिया गया है। सिग्नल भी सामने वाला डाउन नहीं है, देखते हैं कौन सी गाड़ी का क्रॉस है। तो चुहा कड़ियाला एक्सप्रेस 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस के साथ सिंगल लाइन क्रॉस के बाद चुहा कड़ियाला से ट्रेन रवाना हो रही है। इसकी जो सिस्टर ट्रेन है वो अभी लाला मूसा पहुंच रही है। ट्रेन को 112 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। हर यहाँ टैंक से गुजर रही है गाड़ी से, और अगला स्टेशन आएगा लाला मूसा का। ऑयल टैंकर और गुड्स ट्रेन लाला मूसा रेलवे यार्ड पे खड़ी है। दो मिनट स्टॉप के बाद लाला मूसा रवाना रेल कार। हजारा एक्सप्रेस 11 आप हजारा एक्सप्रेस खड़ी है लाला मूसा जंक्शन पर। रेल कार की गुजरात शहर में तूफानी एंट्री। रेलगाड़ी गुजरात पहुंच रही है। कैटल मार्केट अब ट्रेन गुजरेगी दरिया चनाब के ऊपर से अलेक्जेंड्रा ब्रिज के जरिए।
हरिपुर बंद स्टेशन से गुजर रही है इस वक्त गाड़ी। इस ब्रिज का मतलब है कि वजीराबाद स्टेशन आया ही जाता है, वजीराबाद जंक्शन। वजीराबाद से रवाना हो गई है ट्रेन, तकरीबन 15 मिनट लेट चल रही है जी। U20 साहब आज जरा बड़े माठे चल रहे हैं। वजीराबाद जंक्शन से दो लाइनें निकलती हैं, बल्कि तीन लाइनें निकलती हैं। एक तो ये जिसकी हम सफर कर रहे हैं मेन लाइन वन लाहौर और कराची की जानी, एक लाइन राइट से यहाँ पर निकलेगी वजीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन कहते हैं फैसलाबाद की जानी, और एक लाइन जो है सियालकोट और जम्मू की तरफ लेफ्ट साइड पे निकलती है। तो ये बनता है वजीराबाद जंक्शन।
वजीराबाद शहर। धोकल के मुकाम पर खड़ा है HBG20 और ये है 13 आवाम एक्सप्रेस के साथ। वो भी लूप लाइन पर है और हमारी ट्रेन भी लूप लाइन पर है। थ्रू लाइन पे फिर कौन सी ट्रेन है ये समझ नहीं आ रही। अभी तो कोई प्रायोरिटी ट्रेन का टाइम भी नहीं है। 80-64 HBG20 80-54 के साथ आवाम एक्सप्रेस। ये मुझे इसकी समझ नहीं आई टेक्निकली कि लूप लाइन पे क्यों डाला है जबकि मेन लाइन जो थी थ्रू लाइन क्लियर थी। इसकी क्या वजह हो सकती है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मुझे तो फिलहाल नहीं मालूम। ये देखें दोबारा थ्रू लाइन पर आ गई है ट्रेन हमारी, लेकिन लूप लाइन से गुजारा गया है थोंगल के मुकाम पर। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। जबरदस्त स्पीड में पास करिए गवर्नमेंट। सारा गुस्सा G20 में पीछे वाला के गिरता निकाल दिए। पानी स्पीड में लखनपंड क्रॉस किया, अभी गुजरांवाला कैंट क्रॉस किया और अभी अप्रोच कर रही है गुजरांवाला। जबरदस्त नाजरीन गुजरांवाला पहुंच रहे हैं। ट्रैक मशीन नजर आ रही है खड़ी, तो पूरा प्लेटफार्म तक अराइवल जो है वो मुश्किल है बनाना क्योंकि मैंने उतरने और यहाँ पर इतना ज्यादा देर स्टॉप नहीं करती गाड़ी और रश भी बहुत ज्यादा लगा हुआ गेट पे। एक दो तीन ट्रैक मशीन नजर आ रही हैं। चलें जी अब इसका कंक्लूजन जो है सफर का वो प्लेटफॉर्म पे जाके करता हूँ। मैं जाता हूँ दरवाजे की जाने।
ये है गुजरांवाला रेलवे यार्ड। नाजरीन 25 मिनट लेट गुजरांवाला स्टेशन पे पहुंची है रेल कार आज 11:15 बजे। पहुंचने का टाइम था इसका 10:48। तो यहाँ पर ही इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह अगले किसी जर्नी में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुजरांवाला से अल्लाह हाफिज़।